उसका ड्यूरेशन 30 to 45 days टू 60 days लेते हैं तो आपका एनुअल जो 4.5% है या 6% आपका हाईएस्ट है वो आपका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, जिससे एक बहुत ही अच्छा से हम लोग का लिक्विडिटी का जो क्रंच अभी जो हम लोग को आया था कोविड के दौरान या हम लोग का एक्सपेंशन जब हम लोग करते हैं, सपोज हम लोग का 10 से 50 हम लोग का ऑर्डर मिला है लेकिन लिक्विडिटी नहीं होने के कारण जो इश्यूज होते हैं, तो आई थिंक रेट्स एंड आरएक्सआई थ्रू से ये जो लिक्विडिटी क्रंच हमारा बहुत अच्छे से एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चीज़ हम लोग वो चीज़ को कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग को पूरा सपोर्ट प्रॉब्ली ट्रेड्स एंड आरएक्सआई से मिलेगा। तो विद दैट आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड प्रॉब्ली ऑल ऑफ अस फॉर दिस सेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरी मोर सच सेशंस। के बारे में तो करीब 6 महीना 7 महीना से हम लोग सुनने की बात कर रहे थे, इसका एक सीजन बहुत जरूरी है। टाटा मोटर आरएक्सआई में ऑन बोर्ड है एचएम आई बस, पर यहाँ की इतने जो 800 मीटर है अभी तक जितना फायदा उठाना चाहिए था नहीं उठा पाए, वो बहुत जरूरी है और उससे अगर इनका फायदा उठाते हैं आरएक्सआई का, इसमें हम लोग भी एज ए सेलर ऑन बोर्ड होते हैं तो हम लोगों की जो क्रेडिट कैपेसिटी है काफ़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद बैंक में भी हमारा लोड कम होगा, जो सी सी के जो भी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में है उसका भी हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर सेशन आपने किया। सिविल को जमशेदपुर में हम लोग पहली बार देख रहे हैं, तो पंजाब के रहने वाले हैं और अभी मुंबई पर पोस्टेड हैं। प्रणव जी हमारे बिहार के ही हैं और अभी रांची में इनका परिवार रह रहा है जी। मेरी पढ़ाई भी सेंट एंथनी से हुई है, सेंट एंथनी रांची से इनकी पढ़ाई हुई है। सब लोग हम लोग घर के हैं, हम लोग इनका प्रॉपर फायदा उठाएं, अपने पूरा समाज सुधारें। आज पहली बार हम लोगों को मालूम पड़ा कैसे सुधार सकते हैं, ये आज तक मालूम नहीं पड़ रहा। बैंक वाले बताते नहीं थे, लोगों के लिए जैसे शेयर किया उनसे भी कुछ बात हुई है। एक तो बैंक वाले ने ऐसा सिविल गड़बड़ा दिया है, प्रॉपर टाइमली पेमेंट करने के बाद भी उन लोगों का सिविल खराब कर दिया। ये सब चीज़ें जेम साहब ने भी बताया, जैसे EMI हम लोगों की मान लीजिए 1 लाख रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है 5,000 बढ़ जाता है, बैंक उसको डिफॉल्ट में डाल देता है। ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इनसे नितेश जी ने से और जिसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसको कम कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएसएमई आपका बेनिफिट उठा सकें। इन्होंने एश्योरेंस भी दिया है, इनके जो हायर ऑफिसर हैं उसके पास बात पहुँचाएंगे। काफ़ी अच्छा सेशन हुआ है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं, और आपको पता है सिडबी और CII हमारे भारत के इंडस्ट्री बैंक और बिजनेस डेवलपमेंट की बैकबोन है। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि $5 trillion इकोनॉमी हमारी होगी तब मैं विकसित देश के पहले पायदान पे पहुँचूँगा। तो आज उसी दो हस्तियों से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे बैकबोन है हमारे बिजनेस के और हमारे इंडस्ट्री के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो CII के चेयरमैन हैं यहाँ के, वो बताएं कि मेन नटसेल में हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप तक पहुँचने के लिए क्या क्या हमें करना होगा इंडियन इकोनॉमी में। पहले सबसे मेरा नाम है तापस साहू, मैं CII झारखंड चैप्टर का चेयरमैन हूँ। जहाँ तक हमारा $5 trillion इकोनॉमी होने का है, इसमें सबसे अहम जो किरदार निभाएंगे वो MSME सेक्टर ही निभाएंगे, और सिडबी के दौरान जो MSME सब्जेक्ट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मूव है। तो हम लोग को जानते हैं कि अराउंड 43% ऑफ द MSMEs जो इंडिया GDP को सपोर्ट करते हैं, उस सिलसिले में अगर आज का दिन में अगर हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग $5 trillion जो इकोनॉमी है जो बाई 2025 है, और $15 trillion जो इकोनॉमी है बाई 2035 है, वो हम डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। और इसमें CII एक अहम किरदार निभा रही है। CII अलॉट अभी हम लोग जो पॉलिसी एडवोकेसी में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, जहाँ के बेस्ट पॉलिसीज़ हैं उसको हम लोग ला रहे हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट ले रहे हैं, गवर्नमेंट को फीडबैक दे रहे हैं और गवर्नमेंट को ये चीज़ बता रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं।
जिसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं जो बैंकिंग सेक्टर है हमारी, जहां जब तक हमारा फंड फ्लो नहीं होगा एमएसएमईज को, जो हमारी बैकबोन है, तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे। और उसमें सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पूरी इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम लोग ये अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। CIA मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो आप सर ने जो बताया, सर से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि समय कम है, बहुत लंबा सेशन हुआ है और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में आई हैं, कि सर युवा इंटरप्रेन्योर जो हमारे इंडिया के भविष्य माने बिजनेस को और ख़ास करके इन्वेस्टमेंट सेक्टर को, फाइनेंस सेक्टर को या सर्विस सेक्टर को एकदम बदल कर रख दिया है, उन्होंने एक ऐसा कुछ क्रांति ला दिया है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो आप युवा एंटरप्रेन्योर को क्या कहना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करे और आपके सपनों का भारत जो कि डेवलप भारत है वो बन सके? डेफिनेटली अभी आप युवा का जो देखेंगे, अभी स्टार्टअप इंडिया का अगर जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसमें CIA ने बहुत अहम किरदार निभाया है, और हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव दिया गया है कि आज के दिन में जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको एक एम्प्लॉई नहीं बनके एक एम्प्लॉयर बनने के लिए जो एक धारणा है वो हम लोग चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें स्टार्टअप इंडिया के तहत में अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स आर बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, अ लॉट ऑफ प्रमोशन इज़ बीइंग डन, अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट इज़ गिवन। इसमें क्या हो रहा है कि अभी हमारे जो इंडस्ट्री में, खाली इंडस्ट्री नहीं, एजुकेशन अकेडमियाँ जो हैं इसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आज के दिन में हमारे जो छात्र हैं, जो जितने भी कैपेबल जो स्टूडेंट हैं, वो एम्प्लॉई नहीं बनके एक एम्प्लॉयर कैसे बन सकते हैं, इस चीज़ को बहुत फोकस दिया जा रहा है और इसके लिए बहुत एनकरेजमेंट और मोटिवेशन दिया जा रहा है, ना कि गवर्नमेंट की तरफ से, बट इंडस्ट्री भी इनको सपोर्ट कर रही है कि हम लोग किस तरह से कर सकें। अभी जैसे आप देखे होंगे कि हमारे PM साहब ने भी एक स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव लिया है, नीति उद्योग ने उसको टेकअप किया है कि मॉनिटर कर रहे हैं वेरी वेरी क्लोजली। इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि आज का दिन में हर एक बैंक, हर एक NBFC और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग रिलेटेड है उनको सपोर्ट करें विथ प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, और ताकि एक मोटिवेशन हो कि एक पैसे के लिए, एक फ़ंड के लिए वो चीज़, उनका जो एक बहुत अच्छा आइडिया है जो अल्टीमेटली हमारे इंडस्ट्री को फ़ायदे करेगा, और जो एक हमारा जो $15 trillion इकोनॉमी बनने का जो जो एक हमारा ड्रीम है वो पूरा कैसे होगा, वो हमारे युवा से ही होगा और इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ावा दे रही है। सर एकदम लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल, क्योंकि आपने क्वेश्चन का स्पेस दिया है कि सर क्या इस योजना को कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो कि एकदम नया कुछ जिंदगी ओपन होता है, चाहे बिजनेस में या कहीं और, तो क्या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बीच भी आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस या फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई प्रोग्राम चलाएगी? हाँ, डेफिनेटली ये ऑलरेडी हमारा चल रहा है, एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑलरेडी है CIA का, जिसमें हम लोग कॉलेज जो होता है, डिप्लोमा कॉलेजेस है, ITI कॉलेजेस है, आपका BE ग्रेजुएट है, MBAs है, उसको हम लोग को एक अवेयरनेस सेशन देते हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं जो CIA के तरफ से, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तरफ से है, जिसमें बेसिकली जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इसमें कोई रेगुलर टीचर्स नहीं होते हैं, जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो जुड़ते हैं, उनके तहत ये इनपुट जाता है और एनकरेजमेंट आता है। अगर आप देखेंगे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो IIM हैं, IITs से हैं, और जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इस चीज़ में अब इंडस्ट्री कनेक्ट होके और उस चीज़ को एक मोटिवेट करने के लिए हमारा CIA जो है वो एक बहुत अहम किरदार निभा रहा है। और झारखंड में भी हम लोग ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके अभी स्टार्टअप इंडिया को टेकअप कर रहे हैं, जैसे पहले BJP गवर्नमेंट के दौरान में आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंक्यूबेशन लैब था, वैसे ही अभी झारखंड गवर्नमेंट में जैसे GMM गवर्नमेंट है, उस चीज़ को हम लोग नाम बदल के ही भले ही, बट वो चीज़ कर रहे हैं। अभी भी 140 से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप्स हैं, और CIA के तहत में हम लोग स्टार्टअप कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स से उनको मिला रहे हैं, ताकि उनको भी एक अप्रोच मिले कि जो एक झारखंड जो एक अंडर डेवलप्ड माना जाता है हर एक चीज़ में, स्टार्टअप में हम लोग कोशिश करें कि इकोसिस्टम डेवलप करें, ताकि वो दुनिया में अपना नाम और परचम फैला सके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हमारे बीच जो दूसरे शख्सियत हैं वो आपको पता है कि सिडबी, वो बैंक जो इंडस्ट्रीस्ट के लिए और ख़ास करके स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीस्ट हैं उन लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद की किरण होती है उनके बिजनेस को ग्रो करने का। तो सौभाग्य है कि हमारे बीच सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए, क्योंकि मैं भूल गया, और
और उसके बाद सर ये बताएं कि सिडबी क्या नया कुछ प्लान कर रही है, क्योंकि आपने सिडबी के क्लेवर को बदल दिया है जब से आप आए हैं, क्योंकि मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, आपने सिडबी को ही चेंज कर दिया है, एकदम पब्लिक ड्रिवन कर दिया है। पहले बैंक ड्रिवन था, ऑफिसर्स ड्रिवन था, अब पब्लिक ड्रिवन हो गया है, बिजनेसमैन ड्रिवन हो गया है। सर ये कमाल कैसे किया आपने? मैं भानु प्रकाश वर्मा, मैं ईस्टर्न जोनल ऑफिस में हूँ। पहली बात तो ये है कि सिडबी आखिरी किरण नहीं होगी, सिडबी पहली किरण होगी। तो जो भी एंटरप्रेन्योर को जो भी चाहिए एक अपनी एंटरप्राइज बनाने के लिए, नॉलेज से लेकर के फाइनेंस तक और उसके बाद हैंड होल्डिंग तक, सब सिडबी प्रोवाइड कर रही है, और जो भी उसको और मदद की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड कर रही है। सो इसी उद्देश्य को लेते हुए, जैसा कि अभी आपने पूछा था सवाल CII के अंदर एजुकेशन के बारे में, सिडबी ने देश के नामी बिजनेस स्कूल्स के अंदर, और जैसे IIM संबलपुर है आपके, दूसरे अदर पार्ट्स के अंदर जो है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स चलाए हैं, जहाँ पर कि लोगों को, बच्चों को जो कि स्टार्टिंग कर रहे हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाए, जिससे उनका रुझान जो है नौकरी में जाने के बजाय खुद की एंटरप्राइज शुरू करने पे ज़्यादा रहे, और वो खुद की एंटरप्राइज कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकल के शुरू कर सकें। उसके अलावा सिडबी ने उनकी फंडिंग को आसान करने के लिए स्टार्टअप स्कीम्स, स्टार्टअप वेंचर फंड्स भी लॉन्च किए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 13 स्टेट्स के अंदर सिडबी के एसोसिएट कंसर्न SVCL ने, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के साथ 13 स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने वेंचर कैपिटल फंड्स लॉन्च किए हैं। उसके अंदर आसाम, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम, अगरतला, त्रिपुरा ने भी अपने वेंचर फंड स्टार्ट किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के यहाँ के लोकल होम ग्राउन जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंड करने के लिए उनके साथ मिलकर एक स्टार्टअप फंड्स लॉन्च करें। सर एक सवाल, सर ने जैसे कहा, एक बहुत अच्छा अप्रोच सर ने दिया था कि अगर मैन पावर की कमी होती है तो सिडबी एक डे टू डे, जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बिजनेस में, सिडबी की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें जैसे सर ने कहा कि मैन पावर की अगर कमी हो तो हमारे पास CIA के पास या बहुत सारे अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास मैन पावर की बड़ी भरमार होती है, तो क्या सिडबी आने वाले टाइम में क्या उन लोगों को आउटसोर्स करेगी या उन लोगों का एक्सपर्टिज्म का मदद लेगी या फिर उसके लिए कुछ और योजना बना रही है? मैं इनके सुझाव का स्वागत करता हूं, और इनफैक्ट सिडबी जो है बड़ा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाते आने वाले टाइम के हिसाब से अपने आप को ढालेगा, और जहां से भी हमें जो भी एक्सपर्ट एडवाइस या जो समर्थन प्राप्त होगा उसको डेफिनेटली हम लेने की कोशिश करेंगे और उसको यूज़ करेंगे कि इस क्षेत्र के MSME को कैसे उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।